वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे कम्प्लीटली यू टर्न को लेके, और वो यू टर्न किसने किया, वो यू टर्न किया मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़ू, इसने। कुछ दिन पहले ही हम लोग देखे थे कि भाई मालदीव जो है वो न्यूज़ में बहुत हाईलाइटेड हो रहा था, बहुत कुछ बोला था, वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे वो लोग तो हम लोग के पीएम को बहुत कुछ बोल दिया, वो लोग एग्जैक्टली अपने तरफ से जो सोचते हैं, उन लोग का जो सोच है उस हिसाब से लोग बात कर रहे थे, और इसको लेके हम लोग भी अच्छी तरह से उन लोगों को सबक सिखा दिया। आज के डेट में अगर हम लोग देखें, मालदीव जो है ये कम्प्लीटली यू टर्न ले लिया, मतलब एक टाइम में जो मोहम्मद मुइज़ू इलेक्शन जीत रहा था तो उन लोगों का, मोहम्मद मुइज़ू का जो कैंपेन था उसमें सबसे जो मेजर इशू था उसमें वो लोग बोले थे कि भाई इंडिया आउट, इंडिया आउट के भरोसे वो कैंपेन रन करके मोहम्मद मुइज़ू जो है वो मालदीव में इलेक्शन जीता। और उसके बाद मोहम्मद मुइज़ू आज के डेट में जब मालदीव का इंडिपेंडेंस डे था उसमें एक स्पीच दिया जिसमें मालदीव में मुइज़ू बोल रहा है कि भाई हम लोग तो इंडिया को थैंक्स बोलना चाहते हैं क्योंकि हम लोग का जो डेब्ट का जो पेमेंट था वो इंडिया ने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। ऑन द अदर साइड हम लोग इंडियंस को वेलकम कर रहे हैं कि आप लोग आइए हम लोग के यहाँ, हम लोग यहाँ हम लोग का मालदीव में आके आप लोग आप थोड़ा सा टाइम बिताइए जिसमें उन लोग का जो टूरिज़्म है वो जाके और भी एक्सटेंड होगा। तब ये सब कैसे हुआ, मतलब टोटल जो इंसिडेंट है वो थोड़ा आपको क्लियरली बताते तभी आपको पूरा जो व्यू है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। मालदीव में इलेक्शन था लास्ट ईयर और उस टाइम में मालदीव में मोहम्मद मुइज़ू जो है वो अपने तरफ से एक कैंपेन रन किया इंडिया आउट। आज के डेट में हम लोग अगर देखें मालदीव जो है इंडिया के मतलब एकदम साउथ में एक है, और मालदीव जो एक छोटा सा मतलब कंट्री है, और इस कंट्री में मेनली जो इकोनॉमिकल कंडीशन है या फिर जो इकोनॉमी चलते है वो है टूरिज़्म से। अब ये टूरिज़्म में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट मतलब जाते हैं मालदीव उनमें से सबसे ज़्यादा जो थे वो थे इंडियन, मैं थे इसलिए बोल रहा हूँ कि एक टाइम में जाते थे इंडियन मालदीव बहुत, अभी जो है ये परसेंटेज घट गया। तो मालदीव का जो इकोनॉमी है, मालदीव का जो मतलब सिक्योरिटी सिस्टम है इसमें भी इंडियन लोग हेल्प करते थे, इंडिया से मिलिट्री ट्रूप जो है वो मालदीव में था क्योंकि मालदीव का जो अगर कभी भी कोई मेजर इशू होता है मालदीव, तो मालदीव में अगर आप हॉस्पिटल देखें तो वो सब नहीं था, उसके वजह से जो फ्लाइंग सिस्टम था मतलब जो एयरक्राफ्ट था या फिर जो हेलीकॉप्टर्स थे वो जो है इंडियन लोग इंडियन मिलिट्री की तरफ से उसको कम्प्लीटली ड्राइव किया जाता था और वो लोग रेस्क्यू करके इंडिया में लाते थे अगर कोई मेजर इशू हुआ। तो मोहम्मद मुइज़ू इसको कन्वर्ट कर दिया अपने पॉलिटिकल करियर का ग्रोथ में, मतलब मोहम्मद मुइज़ू बोला कि जो मिलिट्री है जो इंडियन है यहाँ जो रहते हैं वो एग्जैक्टली एक थ्रेट है मालदीव के जो सोवर्निटी है उसके लिए, तो उन लोगों को निकालना है, आगे जाके मालदीव तभी ग्रो करेगा तो इंडिया को निकालना है। तो मोहम्मद मुइज़ू अपना जो है कैंपेन को मतलब चलाने के बाद वो जीत गया, और जीतने के बाद मोहम्मद मुइज़ू होता है कि कोई भी मालदीव में अगर इलेक्शन जीते वो सबसे पहले आते हैं इंडिया में, मतलब मोहम्मद मुइज़ू चले गए चाइना, चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ मोहम्मद मुइज़ू का डिफरेंट एग्रीमेंट हुआ, बहुत कुछ हुआ, एकदम अच्छा टाइम चल रहा था उस टाइम में, सब कोई देख रहा है। ऑन द अदर साइड जब ये सारा इंसिडेंट हो रहा था तब मालदीव की तरफ से बोला गया कि आप लोग का जो ये सब मिलिट्री है इसको हटाओ यहाँ से, अब वापस ले जाओ, हम लोग को कोई रेस्क्यू वेस्क्यू नहीं चाहिए, हम लोग अपने तरफ से संभाल लेंगे। इंडियन मिलिट्री को हटा के वहाँ से एग्जैक्टली जो लोकल सिविलियन थे उन लोगों को वहाँ रिक्रूट किया गया। उसके बाद क्या हुआ, ये साल के पहले ही हम लोग के जो पीएम है ये मतलब अरबियन जो सी है उसमें लक्षद्वीप है जो कि इंडिया का ही एक पार्ट है, बहुत अच्छा आइलैंड है, अगर आपको तो पता ही होगा, अपना वीडियो देखा है, आप यूट्यूब में भी सर्च कीजिए डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोज़ मिल जाएगा। तो मोदी जी लक्षद्वीप गए और वहाँ का जो पोस्ट है मतलब वहाँ से जो फोटो है वो मोदी जी अपने तरफ से पोस्ट किया। तो उसके बाद से क्या हुआ, वो देख के मालदीव के जो मिनिस्टर थे मुइज़ू के जो मिनिस्टर थे उन लोगों को लग गया मिर्ची, तो लोगों ने कहा भाई ये तो मोदी जी ने अलग ही कुछ कर दिया, ये तो लक्षद्वीप को प्रमोट कर दिया, अब आगे जाके क्या होगा, आगे जाके तो कोई मालदीव में आएगा नहीं, सब तो लक्षद्वीप ही जाएगा, और अगर लक्षद्वीप जाता है तो जो खर्चा होता है वो इंडियन इकोनॉमी में ही होगा, मतलब इंडिया के पास ही रह जाएगा, दूसरा कंट्री को नहीं मिलने वाला है, मतलब उन लोगों का जो टूरिज़्म सिस्टम है जिससे उन लोगों का इकोनॉमी सबसे ज़्यादा सपोर्ट होता है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इसको देखे वो लोग को गुस्सा आ गया और वो लोग मतलब अपने तरफ से मतलब हम लोगों का जो मोदी को डिफरेंट टाइप ऑफ इंसल्ट किया सोशल मीडिया में। इसको देख के हम लोग जो इंडियंस थे हम लोग को भी गुस्सा आया कि भाई आप लोग हम लोग का पीएम को ऐसे कैसे बोल सकते हो, जबकि मालदीव को इकोनॉमिकली मतलब इंडिया बहुत हेल्प करता है, ऑन द अदर साइड वहाँ का जो सिक्योरिटी है उसमें भी इंडिया हेल्प करता रहा है। इसके अलावा भी अगर आप देखें मालदीव एक ऐसा कंट्री है जो इंडिया के साथ मतलब बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहा था बहुत लॉन्ग टर्म, बट मोहम्मद मुइज़ू आते हुए ही इसके बाद ही ये सब होना स्टार्ट हो गया। तो इंडिया में एक कैंपेन रन हुआ बॉयकॉट मालदीव,
और जितना भी इंडियंस जो लोग के मालदीव्स का जाने वाले थे सबने अपना जो टिकट है ये कैंसिल कर दिया कि भाई हम लोग मालदीव्स नहीं जाएंगे, ऑन द अदर साइड हम लोग जाएंगे लक्षद्वीप या फिर डिफरेंट लोकेशन में, मगर मालदीव्स हम लोग नहीं जाएंगे। तो मालदीव्स का जो टूरिज्म था वो कम्प्लीटली डिपेंड था इंडियंस के ऊपर और वो कम्प्लीटली ठप हो गया, जिसके वजह से उसका इकोनॉमी जो है वो सफ़र करना स्टार्ट कर दिया। अब मालदीव्स को पैसा देना था इंडियन गवर्नमेंट को, जो SBI का था वही, तो उसका जो डेप्ट था वो मतलब जो लोन लिया था उस हिसाब से उसको देना था, और वो पैसा है मालदीव्स के पास रहा नहीं, क्योंकि मोइजू तो कुछ भी बोल दिया। मोइजू ने अपने जो मिनिस्टर है बाद में जाके उन लोगों को बोला कि भाई आप लोग ये सब बंद करो क्योंकि ये बहुत गलत है, आगे जाके हम लोग का क्या हालत होने वाला है आप लोगों को पता नहीं, आप लोग चुप हो जाओ। तो बाकी जो है मिनिस्टर उन लोगों को वो कंट्रोल कर लिया था कि भाई मोदी जी के अगेंस्ट में कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ पोस्ट नहीं करेगा। जब भी ये चीज़ आगे मतलब मोइजू ने बोला, मगर उस टाइम में जो डैमेज था वो ऑलरेडी हो चुका था क्योंकि बॉयकॉट मालदीव उस टाइम में ट्रेंड कर रहा था और दुनिया भर से हर कोई जो है वो लोग मालदीव्स को बॉयकॉट कर रहा था। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया से जो जा रहा है मालदीव वो लोग बॉयकॉट कर रहा था, दूसरा कंट्री जो कि मोदी जी को रिस्पेक्ट करते, जो कि मोदी जी को सपोर्ट करते, जो मोदी जी को अच्छे लगते, सारे कोई जो है अपना जो ट्रिप है दुनिया भर से जो मालदीव का ट्रिप था सबको कैंसिल कर दिया। तो इफेक्ट अच्छे तरह से मोइजू को पता चला कि भाई इंडियन PM के अगेंस्ट में अगर आप कुछ बोलते हो तो उसका क्या इफेक्ट है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें लक्षद्वीप का जो टूरिज्म है ये धीरे धीरे ग्रो करने लगा और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ग्रोथ के लिए मतलब उसका जो प्लानिंग है वो किया गया कि आगे जाकर यहाँ और भी कोई रह सके और भी ज़्यादा टूरिस्ट आ सके, उन लोगों को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए, तो ये सारा स्टेप ये लिया गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद PM मोदी का थर्ड टाइम का जो है वो थर्ड टाइम से फिर से लोकसभा इलेक्शन हुआ और थर्ड टाइम में वो फिर से जीत गया। अभी उसका ओथ मतलब PM मोदी का ओथ टेकिंग सेरेमनी था, तो इंडिया बोला कि भाई ये लोग तो गलती कर सकता है, हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग भाई अपनी तरफ से मोहम्मद मोइजू को बुलाते हैं ओथ टेकिंग सेरेमनी में। डिफरेंट जो कंट्रीज थे उन लोगों को जो हेड्स थे उन लोगों को बुलाया गया, तो मोहम्मद मोइजू को भी बुलाया गया। मोहम्मद मोइजू भी आया और वो ओथ टेकिंग सेरेमनी में मोहम्मद मोइजू थे और उसके बाद मोहम्मद मोइजू ने बोला कि भाई हम लोगों के पास जो है इतना पैसा नहीं है जो हम लोग ये जो डेप्ट है ये इसको दे सके। तो इंडियन गवर्नमेंट बोला ठीक है चलो गलती हो गया इसको छोड़ देते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट बोला ठीक है हम लोग आपको ये जो लोन का जो आपको जो देना था जो पैसा उसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। और ये ट्रेजरी बिल सब्सक्रिप्शन था राउंड अबाउट $50 बिलियन का, तो ये बोला कि ठीक है हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं, जिससे मालदीव्स को मिला राहत। और मोहम्मद मोइजू समझ गए कि भाई आगे जाके इंडिया के साथ ये जो पास्ट में हम लोग किए ये सब नहीं करना है। और वही मोहम्मद मोइजू जो एक टाइम में बोलता था इंडिया आउट, अभी वो वेलकम कर रहे हैं इंडियंस का कि भाई आप लोग मालदीव्स में आइए, आप लोगों को हम लोग वेलकम कर रहे हैं। मतलब कम्प्लीटली ये यूटर्न हो गया और एकदम उसको पता चल गया कि भाई मालदीव इंडिया क्या कौन सा कंट्री है, इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, साथ ही साथ मालदीव का क्या एग्जैक्टली क्या कंडीशन है। तो इसको लेके मोहम्मद मोइजू आगे और भी मतलब बात किया और बोला कि हम लोग का जो टूरिज्म है हम लोग तो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है टूरिज्म के ऊपर, तो हम लोग का टूरिज्म जो है हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं। तो मोहम्मद मोइजू का कहना था कि इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ में जो मेजर मेट्रोज है वहाँ जाके हम लोग ये जो कैंपेन है हम लोग अपना जो मतलब जो टूरिज्म अट्रैक्टिव प्लेस है वो सब वहाँ जो है हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ रोड शो करेंगे, जिसके वजह से जो है कि आपका जो मतलब इंडियंस है वो लोग फिर से मालदीव जाना स्टार्ट करेगा और हम लोग का जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट बोला ठीक है वो भी हम लोग अलाउ कर देते हैं, कोई बात नहीं आप लोग अगर चाहे तो ये कर सकते हैं, एक सर्टेन टाइम का जो ड्यूरेशन है जो नॉर्म से वो सब कुछ आप लोग फॉलो करेंगे, ये इसके बाद आप लोग ये कर सकते हैं। अब आया क्या मालदीव का इंडिपेंडेंस डे, उस इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में मोइजू जाके इंडिया को थैंक्स बोला, क्योंकि एक तो था उसका जो डेप्ट था जो पैसा देना था उसको लेके, दूसरा था उसने कहा कि एग्जैक्टली कि हम लोग इंडिया के साथ आगे जाके हम लोग का जो ट्रेड है इसको और भी ज़्यादा ग्रो करेंगे, क्योंकि अगर ट्रेड ग्रो होता है तो कंट्री जो है कंट्री का जो रिलेशन है वो भी बढ़ता है। ऑन द अदर साइड अगर ये जो ट्रेड करेंगे ये हम लोग लोकल करेंसी में करेंगे इसको लेके भी हम लोग के इंडिया के साथ बात हो रहा है, मतलब मालदीव्स का जो करेंसी है और इंडिया का जो इंडियन नेशनल रुपी है इसमें ही हम लोग ट्रेड करेंगे, जिसके वजह से दोनों कंट्री को हम लोग कोई दूसरा कंट्री लाइक दैट कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर या फिर USD यूज़ करते हैं तो वो हम लोग ऐसा कोई दूसरा कंट्री का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग जो करेंसी है हम लोग का कंट्री का वही करेंसी यूज़ करके ट्रेड करेंगे और ये ट्रेड को हम लोग और भी ज़्यादा ग्रो करेंगे। इसको लेके हम लोग जो है एग्जैक्टली अभी बात कर रहे हैं, हो सकता है कि बहुत जल्दी इसमें फाइनल कुछ हो जाए, जब हो जाएगा तब कंट्री का जो रिलेशन है वो हम लोग का ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। और कंट्री ऑब्वियसली जिस कंट्री के साथ रिलेशन होता है वो ट्रेड जब होता है तो ज़्यादा ट्रेड होगा तो ज़्यादा ही गहरा होगा।
तो ये एक नया बॉन्डिंग मोइजू ने ट्राई किया है अपने तरफ से, और इंडिया भी जो है इंडिया के तरह अपना जो पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उसको इंडिया ने कम्प्लीटली इग्नोर नहीं किया, मगर उसको दिमाग में रखते हुए इंडिया ने कम्प्लीटली मॉलिव्स को एक और चांस दिया कि भाई हम लोग ऐसे नहीं है जो आप लोग किए, हम लोग अपना जो है हम लोग अपने तरह से ही रहते हैं और हम लोग हर किसी को देखते हैं, ऐसा नहीं कि जो इंडियंस नहीं उन लोग नहीं, हम लोग का जो पड़ोसी है उन लोग को भी हम लोग वैल्यू देते हैं, और इससे ही ये आपको पता चलता है। तो होपफुली आगे जाके मॉलिव जो है आपको देखना मिल सकता है कि डिफरेंट मेट्रोज में अपने तरफ से प्रमोट कर रहे हैं कि टूरिज्म, और डिफरेंट जो टूरिज्म फेयर होते हैं उसमें भी मॉलिव्स का टूरिज्म का स्टॉल दिखे, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफर्स मिले और मॉलिव के साथ इंडिया का जो ट्रेड है वो आगे जाके बढ़े। अगर ऐसा कुछ होता है या फिर आगे क्या स्टेप होगा, अगर कुछ नया इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में और भी वीडियोज़ देखना है दुनिया भर का तो आप मेरा YouTube चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU SPACE PAUL को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो फेवरेट है, आपके जो जीवन साथी है, आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, या फिर आपके जो पार्टनर है, या फिर आपका जो स्पेशल पर्सन है, उनके साथ जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है चैनल में वो शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो सोच है उन तक पहुँचता है और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वही चलता रहता है। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगा, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।